हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं द्वारका में। द्वारका में अभी मैं हूं घाट पर और ये आप देखो इवनिंग का व्यू चल रहा है। और इस वीडियो में मैं आपको दर्शन कराऊंगा द्वारकाधीश मंदिर के, आपको ले चलूंगा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर महादेव जी के दर्शन कराऊंगा। और भी यहां पर जो मंदिर है, यहां पर कौन कौन सी घूमने की प्लेसेस है, वो सभी चीज़ें आपको बताऊंगा, सारी इन्फॉर्मेशन के साथ कि आपको कब आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, क्या मंदिर की टाइमिंग है, हर एक डिटेल के साथ ये वीडियो आपके लिए रहेगी। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ दर्शन करिए द्वारकाधीश के और नागेश्वर महादेव के। राधे राधे। बोलो नागेश्वर महादेव की। द्वारका गुजरात में पड़ता है और ये देश और गुजरात दोनों के ही बिल्कुल एक छोर पर स्थित है। द्वारका चार धामों में से एक धाम है और यहाँ रेलवे स्टेशन है, तो बाई ट्रेन यहाँ आप आसानी से पहुँच सकते हैं। सुबह सुबह पहुँच चुका हूँ मैं द्वारका जी में और यहाँ पे ये भीड़ भाड़ आप देख लो, सोमनाथ से सारे आ रहे हैं द्वारका के लिए। राधे राधे। द्वारका का नियर बाय एयरपोर्ट राजकोट है, जहां से आप बाई कैब या बस से आसानी से यहां पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आपको द्वारका की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही तो अहमदाबाद में उतरकर आप बाई बस 8-9 घंटे में यहां तक पहुंच सकते हैं। द्वारका में अगर आप डे ट्रिप पे आ रहे हैं तो यहाँ पर क्लॉक रूम स्टेशन पर है, आप टिकट काउंटर पे जाएं, वहाँ पे अपना मतलब रिसिप्ट कटवा लें और फिर उसके बाद क्लॉक रूम में अपना जो लगेज है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। बाकी अभी ऑटो वगैरह देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे काफ़ी आज भीड़ भाड़ है क्योंकि फेस्टिवल है, उस वजह से लगेज होटल वगैरह कुछ भी मतलब होटल वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, तो लगेज वगैरह वो कहीं ना कहीं ठिकाने लगाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। बाकी होटल देख रहे हैं, अगर मिल जाता है तो बेस्ट है। ऑटो कर लिया है मैंने और ऑटो से द्वारकाधीश टेम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं, होटल का भी उधर अरेंजमेंट शायद हो जाए और आपको ऑटो वगैरह 20-30 रुपए में शेयरिंग में मिल जाती है यहाँ से टेम्पल तक के लिए। रेलवे स्टेशन से द्वारकाधीश मंदिर केवल 2-2.5 किलोमीटर की ही दूरी पर है और होटल के लिए सबसे सही लोकेशन द्वारकाधीश टेम्पल के आसपास 1 किलोमीटर के रेडियस में है और मंदिर के आसपास ही काफी सारे सस्ते धर्मशाले भी हैं। द्वारका जी में मैं अपने आपको होटल का रूम दिखा देता हूँ, ये आपको रूम दिखेगा ट्रिपल बेड, लेकिन मैंने इसको केवल 3 घंटे के लिए लिया है, केवल मतलब यूज़ करने के लिए, फ्रेश व्रेश होने के लिए, नहाने के लिए, तो इतने के लिए मुझे 1500 रुपये यहाँ पर देना पड़ा है। मैं इस टाइम सीज़न में आया हूँ, आज 24 दिसंबर की डेट है, इस वजह से ये प्राइस यहाँ पे चल रही है। अदरवाइज़ आपको यही रूम अगर आप नॉर्मल टाइम में आएंगे तो आपको मतलब डबल बेड रूम भी लेते हैं तो आपको 2000 रुपये में पर नाइट 2 एडल्ट्स के लिए इस तरह का मिल जाएगा। लोएस्ट कैटेगरी में धर्मशाला में आपको 500-400 में मिल जाएगा और 1000-1200 रुपये का एवरेज रेट चलता है डबल बेडरूम का नॉर्मल कैटेगरी में, तो ये अवेलेबिलिटी मिल जाती है। लेकिन सीज़न में अगर आप आ जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी महंगा यहाँ पर रेट बढ़ जाता है। जिस होटल में मैं रुका हूँ इसका नाम है लॉर्ड कृष्णा होटल और मेन द्वारकाधीश टेम्पल से 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर ये है। द्वारका में द्वारकाधीश टेम्पल के अलावा बेट द्वारका और नागेश्वर महादेव भी मुख्य स्थान है और चूंकि मैं यहाँ पर केवल आज दिन भर रहने वाला था इसलिए सबसे पहले यहाँ की सबसे दूर की प्लेस बेट द्वारका के लिए निकल पड़ा। द्वारका जी में एक बहुत बढ़िया सी चीज़ है और वो ये है कि आप यहाँ पर स्कूटी हायर कर सकते हैं और स्कूटी मैंने ये ले ली है, यहाँ पर मुझे मिल गई है 500 रुपए में। हेलमेट एक लोग को लगाना होता है, ड्राइविंग लाइसेंस आपको दिखाना होता है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और आपको स्कूटी मिल जाएगी। नंबर मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताकि आपको ईजिली स्कूटी मिल जाए और ये सबसे बढ़िया साधन है यहाँ पर। अगर आप ऑटो करते हैं, ऑटो से यहाँ पर पूरी सारी प्लेसेस जो मेन है वो कवर करते हैं तो आपको लगभग 2500 रुपये तक देने पड़ सकते हैं, पूरी डे में यहाँ की ट्रिप हो जाती है। चलते हैं आज के ट्रिप की शुरुआत करते हैं। बेट द्वारका मेन द्वारका से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी ओखा में है
जिसके रास्ते ठीक ठाक से ही हैं और यहाँ आप बाई ऑटो या बस से भी पहुँच सकते हैं, जिसमें घंटे भर तक लग सकते हैं। लगभग एक घंटे के कच्चे पक्के रास्तों के बाद मैं पहुंच चुका हूं यहां पर फेरी टर्मिनल पर, जो कि फेरी जाने का जेटी है। और यहां तक अगर आप बाई ऑटो आते हैं, शेयरिंग ऑटो से आते हैं, तो लगभग 50 रुपये में आप यहां आ सकते हो और जा सकते हैं 50 रुपये देकर। हम लोग स्कूटी से आ गए हैं और एक घंटा यहां तक पहुंचने में लगा है। तो अब चलते हैं और पता करते हैं टिकट वगैरह का क्या प्राइस है। यहाँ पर अभी लाइन लगी हुई है ये टिकट के लिए, बहुत लंबी सी लाइन है। देखते हैं कितना टाइम लगता है, वेट कर रहे हैं। 1 बजे मंदिर बंद भी हो जाता है और अभी 11:30 बज चुके हैं। देखते हैं दर्शन हो भी पाता है, वहाँ पहुँच भी पाते हैं या नहीं। दरअसल बेट द्वारका एक दूसरे आइलैंड पर है और इसके लिए आपको बाई बोट ही जाना होता है। अस्सी रुपये का 2 टिकट, 40 का आने जाने का टिकट मिलेगा लोगों का। सच में भाई थोड़ा सा स्ट्रगल तो यहाँ पर है और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। ये आप देखो किस तरह से चढ़ रहे हैं। और प्राइवेट बोट अगर आप करते हैं तो यहाँ पर 3,000 रुपये में पूरी प्राइवेट बोट हो जाती है, वो भी आप कर सकते हैं। तो कहाँ 40 रुपये में इससे आपका हो जाएगा और कहाँ आपका 3,000 रुपये, तो वो तो ज़्यादा है ही। पर ये देखो आप सेफ्टी जैसी कोई चीज़ तो यहाँ पे है नहीं, भगवान भरोसे है। जय चल गई अपनी बोट। वन सिक्सटी की कैपेसिटी होती है और पूरे इसमें भर गए हैं। वो उधर जा रही है और आ रही है, वो लोग यहाँ पे खिला रहे हैं पंछियों को। बेट द्वारका के लिए टिकट काउंटर सुबह 6 से 7 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 5:30 बजे तक ओपन रहता है। लेकिन बेट द्वारका मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 5 से 9 बजे तक ही खुला होता है। इसलिए इस ट्रिप के लिए आप द्वारका से सुबह 8 बजे तक निकल जाएं, क्योंकि बाद में भीड़ भी बहुत होती है और मंदिर भी बंद हो सकता है। एक अलग ही माहौल होता है जब आप इस बेट द्वारका की ट्रिप पर आते हैं। बढ़िया गाना बजाना, पूरा माहौल होता है यहाँ पर कि आप किसी दिव्य स्थान पर जा रहे हो। हालांकि बेट द्वारका के लिए अभी ब्रिज भी बन चुका है जो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। लगभग आधे घंटे की जर्नी के बाद, जर्नी आधे घंटे की नहीं थी, जर्नी 15 मिनट की थी, उसके बाद 10-15 मिनट यहाँ पे उतरने में लग गया क्योंकि और भी बोट से अनलोड हो रहे थे लोग। तो अब यहाँ पे उतर गए हैं और देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है दर्शन करने में। बेट द्वारका में आते ही आपको काफी सारे दुकानें मिलेंगी और यहाँ पर कैंप्स में रहने की भी सुविधा है। लेट होने की वजह से यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। दर्शन हो गए भाई, दर्शन करके जा रहे हैं, बहुत भीड़ है। कितना टाइम लगा दर्शन करने में भाई साहब? यूं गए यूं आए वापस आ गए। बंद हो गया अभी? फोन सबमिट वबमिट सब करना पड़ेगा, अंदर नहीं जा सकते। गोप्रो सबमिट करना है, सब सबमिट करना है। अच्छा कैसा रहा? अच्छा। कितना टाइम लगा दर्शन करने में? 2 से 2.5 घंटे। 2 से 2.5 घंटे। कितने बजे आप आए थे? हम लोग 11 बजे आए थे और अभी 1 बजे निकल रहे हैं। 1 बजे निकल रहे हैं। बढ़िया से हुआ दर्शन? आप इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं सोम जी का ये चैनल सब्सक्राइब करके सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं से लेकर आया तो आज मुलाकात हो गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राधे 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 राधे। बेट द्वारका में तो मेरे दर्शन पहुँचने के बाद भी नहीं हो पाए, पर अब मैं यहाँ से वापस दूसरे रूट पर निकल पड़ा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर महादेव जी के लिए। लेकिन रास्ते में यहाँ पर कुछ और स्थान भी थे। नागेश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए जब आप बढ़ते हैं तो रास्ते में भी पड़ता है रुक्मणी जी का मंदिर और यहाँ पर भी भक्त रुकते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ पर राम नाम का तैरता पत्थर भी है, लड्डू गोपाल जी का भी मंदिर है, रुक्मणी जी का मंदिर है। और साथ ही इधर अगर आप जाएंगे तो इधर आपको गोपी तालाब भी देखने को मिलेगा, जहाँ वहाँ पे भी हम चलेंगे और आपको दिखाऊंगा क्या है।
गोपी तालाब वो जगह है जहां भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाई थी और यहां पर गायों को चारा खिलाने की मान्यता भी है। बेट द्वारका से नागेश्वर महादेव मंदिर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग पर मैं आ गया हूँ और ये रहा नागेश्वर महादेव का मंदिर। यहाँ पर हमारे शिव जी भी हैं, भोलेनाथ हैं और ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है। और जब आप द्वारका में आते हैं तो यहाँ पर भी दर्शन करने का आपको इसी बहाने अवसर मिल जाता है। और मैं द्वारका आया था तो यहाँ पर तो आना बनता ही है। चलते हैं, जल्दी से दर्शन करते हैं। बहुत खुश हूँ मैं क्योंकि ये मेरा आई थिंक 7वां ज्योतिर्लिंग है जो कंप्लीट हो जाएगा आज। और धीरे धीरे करके भोलेनाथ सब जगह अपनी दर पर बुला रहे हैं मुझे। चलते हैं। नागेश्वर महादेव मंदिर में आपको सावन और फेस्टिवल्स में काफी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन बाकी समय में आपके दर्शन यहाँ पर काफी जल्दी हो जाते हैं। भाई दर्शन हो गए अपने और बहुत आराम से दर्शन हुए। 20 से 25 मिनट का समय लगा लाइन में और फिर उसके बाद आराम से पूरा दर्शन हुआ और आराम से 30 से 40 सेकंड जो चाहिए होता है भगवान को देखने का वो पूरा मौका मिला। तो जब आप आ रहे हैं द्वारका में तो यहाँ पर भी आएँ। और कहते हैं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कई बार जलाभिषेक किया हुआ है भगवान भोलेनाथ का, तो यहाँ पे तो आना बनता है। तो आप पूरी यात्रा के दौरान इसे भी अपनी आइटनरी में इंक्लूड आप करोगे ही, मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हर हर महादेव। शाम होने को थी और चार धामों में से एक द्वारकाधीश मंदिर की तरफ अब मैं बढ़ चला था। शाम के बज रहे हैं लगभग 5 और मैं जा रहा हूँ दर्शन के लिए अब द्वारकाधीश टेम्पल के लिए। इन गलियों से होते हुए चलते हैं और दर्शन करते हैं भगवान श्री कृष्ण के। तो भाई भगवान द्वारकाधीश का मंदिर ये रहा आप सभी के सामने। और अंदर कैमरा मोबाइल कुछ भी अलाउ नहीं है तो अंदर नहीं ले जा रहा हूँ। यहाँ पर लॉकर अवेलेबल है, आप लॉकर में डिपॉजिट कर दे अपना कैमरा मोबाइल और फिर उसके बाद जाके दर्शन करें। तो मैं भी जाता हूँ दर्शन के लिए। द्वारका वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद यहीं पर अपनी नगरी बसाई थी। हालांकि मेन द्वारका नगरी समुन्दर में डूब चुकी है और द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रभनाथ ने करवाया था और इस मंदिर के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। द्वारकाधीश जी के दर्शन हो गए हैं और दर्शन करने में मुझे लगे 15 मिनट और जनरल टाइम आज नहीं था। आज यहाँ पर रासोत्सव है और इसी टाइम में यहाँ पे आ गया था जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है। और ये पीछे का रास्ता है और इस गली से आया मैं तो जल्दी यहाँ पे दर्शन हो गया। यहीं पर दुकान में मैंने अपना सामान डिपॉजिट कर दिया और प्रसाद ले लिया 100 रुपये का और डिपॉजिट भी कर दिया, जूते वूते यहीं पर उतार दिए। तो इस रास्ते से, ये पीछे का रास्ता है, पीछे के रास्ते से आप जाते हैं तो आपका दर्शन थोड़ा जल्दी हो जाता है, बट जनरल टाइम में आएंगे तो आपको इतना भीड़ भाड़ वगैरह नहीं दिखेगा। मंदिर की टाइमिंग आपको बता देते हैं कि सुबह 6:30 बजे मंदिर ओपन हो जाता है और फिर 1 बजे तक खुला रहता है। 1 बजे से 5 बजे के बीच मंदिर बंद होता है और फिर 5 बजे से रात को 9:30 बजे तक मंदिर खुला होता है, उसके बाद क्लोज हो जाता है। तो भाई दर्शन हुए, बहुत अच्छे से हुए। अंदर का थोड़ा सा रूप आपको बता देता हूँ। कृष्ण जी हमारे बंशी लेकर बढ़िया बजा रहे थे और ऐसा रूप है यहाँ पे, आप फोटोज वगैरह देखे ही होंगे। और साथ ही जो मंदिर की जो नक्काशी है वो पुरानी तरीके की है पूरी, और थोड़ा 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 मतलब मूर्तियाँ अंदर जाकर दिखी, मतलब नक्काशियाँ हैं बट मूर्तियाँ नहीं हैं, तो अलग टाइप का। मैंने बहुत सारे मंदिर देखे हैं पर यहाँ की नक्काशी जो थी वो काफ़ी अलग थी। तो उसके साथ रासलीला करते कृष्ण भगवान और उसकी याद में अब हम कल 37,000 आई रानी रास करने वाले हैं। कल गिनीज बुक में अब नाम होगा। दर्शन के बाद मैं पहुंचा यहां के घाट की तरफ। अब आ गया हूं मैं यहां के घाट पर और ये है यहां का द्वारका घाट और इधर द्वारका बीच भी है। सनसेट का टाइम है, इवनिंग में लोग यहाँ पर आ जाते हैं और ये मतलब बहुत ही प्यारी सी जगह है। लोग यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी कर रहे हैं दूर दूर तक। ये आप देखो बहुत प्यारी सी प्लेस है ये।
और दर्शन करने के बाद इवनिंग में आप यहाँ पर आना और थोड़ा समय बिताना। द्वारका घूमने के लिए एक दिन काफी है और इस एक दिन में आप इन सभी जगहों पर जा सकते हैं, जिनमें आप अपने दिन की शुरुआत सुबह जल्दी करें, जिससे शाम तक आप यहाँ की सभी प्लेसेस कवर कर लें। होटल यहाँ पर आपको 1,000 रुपये में मिल जाता है, मील्स पर 500 रुपये लगता है और ट्रांसपोर्टेशन पर 500 से 600 रुपये तक लगेगा, अगर आप स्कूटी हायर करते हैं या फिर शेयरिंग ऑटो से घूमते हैं। और दो लोग के साथ शेयर करके अगर घूम रहे हैं तो आप यहाँ पर 2,000 से 2,500 रुपये पर पर्सन देकर आसानी से घूम सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री द्वारकाधीश।